कोई बोलेगा नहीं कि हमने इसे 100% सूजी से बनाया है। तो मैंने इस रस को बनाने के लिए कोई भी मैदे का इस्तेमाल नहीं किया है, थोड़ा भी नहीं। और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और करारी बनी है। और ख़ास बात ये है कि मैंने इसे तवे पर रोस्ट करके बनाया है, जो कि आज से पहले आपने ऐसा तरीका शायद ही देखा होगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ सूजी। तो ये फाइन वाली सूजी है, इसे चिरोटी रवा भी बोलते हैं। अगर आपके पास इस तरह से सूजी ना हो, महीन वाली, तो आप मोटी वाली सूजी को एक बार मिक्सी में चला लें, वो थोड़ा सा फाइन हो जाए, फिर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सूजी ले रही हूँ 1.5 कप। अब हम यहाँ पर डालेंगे पानी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आधा कप पानी डाल रही हूँ, और ये ना तो ठंडा है ना तो गर्म है, पानी बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर है। एक बार मिक्स करेंगे। वापस से मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून और पानी डाल रही हूँ, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये स्पैचुला से अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा था, तो मैं यहाँ पर इसे हाथों से ही मिक्स कर रही हूँ, और इसे आटे की तरह गूंथ लेंगे। ये थोड़ा सॉफ्ट ही रहेगा, आप देख सकते हैं ये कैसे स्ट्रेच हो रहा है। अब क्या करेंगे कि इसे ढक करके रख देंगे हम 10 से 15 मिनट तक के लिए, ताकि थोड़ा सा फूल जाए। 10 से 15 मिनट के बाद आप देखेंगे ये कैसे स्ट्रेच हो रहा है और फूल भी गया है। वापस से एक बार मिक्स करेंगे, या फिर नहीं भी। अब इसमें डालेंगे हम 4 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी। अगर आप थोड़ा ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप यहाँ पर 2 टेबल स्पून चीनी और बढ़ा सकते हैं। और डालेंगे 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक, और 1/4 टीस्पून डालेंगे कुटी हुई हरी इलायची। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डालेंगे 3/4 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट। तो मैं यहाँ पर आज इंस्टेंट ईस्ट का यूज़ कर रही हूँ, जिसे पहले से फर्मेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लिखा रहता है डब्बे के ऊपर, इंस्टेंट ड्राई ईस्ट। अगर आप एक्टिव ड्राई ईस्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप उसे पहले फर्मेंट कर लें। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में दिखाए हैं, पहले से आप गुनगुना पानी गर्म कर ले, थोड़ा सा चीनी डालें, फिर ईस्ट डालें। जब वो फर्मेंट हो जाए तब आप इस मिक्सर में ऐड कर सकते हैं। अब डालेंगे 2 टेबल स्पून मेल्टेड बटर, जिससे कि ये बहुत ही अच्छा टेस्ट में बनेगा। अब वापस इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, और तब तक के लिए हमें मिक्स करना है जब तक कि एकदम स्मूथ इसकी कंसिस्टेंसी ना हो जाए। तो मैंने यहाँ पर इसे चॉपिंग बोर्ड में ट्रांसफ़र कर लिया है, और इसे इसी तरह से स्ट्रेच करते हुए हमें इसे मिक्स करना है। अब घड़ी देख लें, इसे पूरा 5 मिनट तक के लिए इसी तरह से मिक्स करना है। तो ये अच्छे से चॉपिंग बोर्ड पे नहीं मिक्स हो रहा था, तो मैंने किचन काउंटर को ही क्लीन करके उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था, और इस किचन काउंटर पे ही मैं यहाँ पर इसे अच्छे से स्ट्रेच कर रही हूँ। 5 से 6 मिनट होते होते आप देखेंगे कि जो डो है वो एकदम स्मूथ हो जाएगा, और इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो जाएगी, डो के फॉर्म में ये आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे वापस से फर्मेंट होने के लिए रखेंगे 1 घंटे के लिए। तो मैं यहाँ इसे सेम बाउल में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ, ऊपर से क्लिंग फ्लिंग या फिर कपड़ा या फिर प्लेट ढक देंगे, और इसे 1 घंटा के लिए हम रख देंगे फर्मेंट होने के लिए ढक करके, ताकि ये थोड़ा सा फूल जाए। तो मैं यहाँ पर बेकिंग ट्रे को लाइन अप करने के लिए ब्राउन इको बेक यूज़ कर रही हूँ। ये केमिकल फ्री है, 100% इको फ्रेंडली है, नॉन स्टिकी है और रीयूजेबल है। तो मैंने यहाँ इसे केक टिन में लाइन कर लिया है। आपने बैटर को भी चेक करेंगे, डो को, तो ये बहुत ही अच्छे से फूल चुका है, बहुत नहीं थोड़ा फूलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं। वापस एक बार राउंड कर लेंगे, और इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। इक्वली मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, और इसे अच्छे से हाथों से फैलाते जाएंगे। ये हाथों से बहुत ही आसानी से फैल जाता है, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली थी। इसे अच्छे से रोल करेंगे टाइटली, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर कैसे कर रही हूँ, और दोनों साइड्स को भी अंदर की तरफ दबाते हुए फोल्ड कर देंगे, और इस तरह से इसे अच्छे से शेप दे देंगे। केक टिन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो मैंने यहाँ इसी तरह से दोनों डो को रेडी कर लिया है और टिन में ट्रांसफ़र कर लिया। वापस से ढक करके 10 मिनट तक के लिए रख देंगे। 10 मिनट बाद आप देखेंगे ये थोड़ा फूल गया है वापस से। तो मैं यहाँ पर इसे दोनों तरीके से आपको बेक करके दिखा रही हूँ। पहला मैंने कढ़ाई में डाल दिया, जो कि मैंने पहले से ही प्री हीट करके रखा था। इसमें आपको 35 मिनट लग जाएंगे,
और दूसरा जो मैं यहाँ पर बेक कर रही हूँ, अगारो इम्पीरियल डिजिटल ओटीजी में बेक कर रही हूँ। इसमें प्रीसेट मेन्यूज़ दी गई हैं। इसमें तकरीबन आपको 8 से 10 मिनट का समय लग जाएगा 180 डिग्री टेम्परेचर पर। दोनों ही यहाँ पर मैंने निकाल लिया है। जो मैंने अवन में बेक किया था वो थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है इसका कलर, ये अवन का बेक किया हुआ है। और जो दूसरा है वो मैंने गैस पे बेक किया तो उसमें थोड़ा सा कम कलर आया है, और इसके कंपैरिजन थोड़ा सा वो कम फूला है, मुझे ऐसा लग रहा है। इसे कट करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ अगारो का मेटेलिक टच फिनिश नाइफ। इसे बहुत ही अच्छे से कटेगा। आप कोई प्लेन नाइफ से इसे ना काटे, कोई इस तरह से दांत वाली नाइफ से इसे काटे ताकि ब्रेड अच्छे से कटेगा। तो यहाँ पर मैं इसे ऐसे काट ले रही हूँ। आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी अंदर से जाली बनी हुई है, और ये सूजी ब्रेड रेडी है। अच्छे से ठंडा करके आपको यहाँ पर इसे काटना है, गरम गरम आप ना काटें। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो मैंने यहाँ एक पैन लिया, उसमें वापस से इको बेक रखेंगे और अपने सारे ब्रेड को रख देंगे इसमें टोस्ट होने के लिए। तो फ्लेम को आपको मीडियम टू लो रखना है, आप हाई ना रखें नहीं तो ये जल जाएगा। और ढक के लिए ढक देंगे, और 30 सेकेंड बाद मैं यहाँ पर चेक कर ली, मुझे लग रहा था कहीं ये नीचे से जल ना जाए, तो मैंने यहाँ पर इसे 30 सेकेंड के बाद ही देख लिया था। तो आपको 1-1.5 मिनट तक आप छोड़ सकते हैं। 1-1.5 मिनट के बाद मैंने यहाँ पर इसे चेक किया तो ये अच्छे से नीचे से रोस्ट हो चुका था। तो मिडिल वाला थोड़ा ज़्यादा रोस्ट हुआ था क्योंकि उसमें ज़्यादा फ्लेम लग रहा था, और साइड से थोड़ा कम हुआ था। तो मैं यहाँ पर सारे मतलब ब्रेड को पलट ले रही हूँ एक साइड से, तो बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो गया। वापस से ढक करके मैं यहाँ पर 1 मिनट के लिए रख रही हूँ। तो ये प्रोसेस करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 4 से 5 मिनट का ही समय आपको यहाँ पर लगेगा। दोनों साइड आप अच्छे से पलटते हुए इसे सेक लें। मैं सेंटर वाला साइड कर रही हूँ, नहीं तो वो ज़्यादा जल सकता है, थोड़ा सा वो और टोस्ट होगा। तो मैं उसे साइड कर दे रही हूँ। अलटते पलटते आपको इसी तरह से 3 से 4 मिनट आपको लगेगा, ये अच्छे से टोस्ट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं ये अच्छे से टोस्ट हो गया था। मैं इसे निकाल ले रही हूँ और दूसरा इसमें रख देंगे। ये बाकी के भी रोस्ट हो रहे हैं तो मैं उसी तरह से इसे हटाते जा रही हूँ। जब आप इसे निकालेंगे वो थोड़ा सा आपको सॉफ्ट लगेगा, लेकिन जैसे ही वो ठंडा होगा वो एकदम से क्रिस्पी हो जाएगा। इसी तरह से मैं बाकी के भी सारे रख करके अच्छे से टोस्ट कर ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर सारे टोस्ट कर लिए हैं। इधर वाले मैंने पैन पे टोस्ट किया और इधर वाला अवन पे। जो अवन पे टोस्ट किया उसमें थोड़ा सा इवन कलर आया है, और जो पैन में टोस्ट किया वो थोड़ा सा हल्का इस तरह से घिसा घिसा दिख रहा है। दोनों ही बहुत क्रिस्पी हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब कम क्रिस्पी हो जाता, दोनों ही बहुत क्रिस्पी हैं। जो अवन वाला मैंने यहाँ पर तकरीबन 8 मिनट के लिए 180 डिग्री पर इसे टोस्ट किया था। मैं आपको यहाँ पर इसे तोड़ के दिखा रही हूँ, देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्रिस्पी है। और ये पूरा सूजी से बना है, पूरे हाइजीनिक तरीके से बनाया गया है। अगर आप इस तरह से, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि ये बहुत फटाफट बन गया है, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन जो बनाने के बाद जो आपको सेटिस्फेक्शन और खुशी मिलेगी वो अनदर लेवल पे रहेगी। तो आप एक बार इसे ज़रूर घर पे ट्राई करें, बहुत ही आसान रेसिपी है और बनाते हुए भी आपको बहुत मज़ा आएगा। ज़रूर से एक बार ट्राई करें। वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, और मुझे मोटिवेट करने के लिए ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो तो इंस्टाग्राम पे भी मैं आपको मिल जाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।